अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एग बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं, अब हम इसे धोकर सोक करने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक बर्तन और उसमें डाल दिया है 4 से 5 लीटर पानी। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 6 काली मिर्च। अब हम इसे डाल देंगे पानी में। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच डाला है। पानी में नमक हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इस पानी को फिर हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से हिला लेते हैं और इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, चावलों को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसमें साफ पानी डालकर इसे सोक करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा पानी बॉईल होगा, चावल हमारे अच्छे तरीके से सोक हो जाएंगे। देखिए, पानी में एक बॉईल आ चुका है और चावल भी सोख हो चुके हैं। मैंने इसका सारा पानी अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर दिया है। चावलों को हम डाल देंगे पानी में। एक बार नीचे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब हम चावलों को एक बॉईल आने तक पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इससे चावल हमारे बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। मैंने मिला दिया है चावलों को। हम इसे एक बॉईल आने देंगे ढककर। देखिए, चावलों में एक बॉईल आ चुका है। पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चावलों को हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हाथों से हम चलाएंगे और इसे 5 मिनट तक और लगभग इसी तरह से बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पर। 5 मिनट और हो चुके हैं, हम इसे चेक करते हैं। इस पॉइंट पे हमें चावलों को बिल्कुल 50% पकाना है, बाकी का 50% हम इसे दम पर पकाएंगे। तो देखिए, लगभग 50% ये पक चुके हैं। अब हम चावलों को ड्रेन कर लेंगे। देखिए, हमने चावलों को छान लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे 7 से 8 टेबल स्पून ऑयल। उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बॉइल्ड अंडे। उसमें अब हम ऐड करेंगे तेल। लगभग 1 टीस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिला देंगे। इससे क्या होगा, हमारे अंडे का कलर जो है अच्छा सा आ जाएगा। मैंने अंडों में हल्का हल्का सा कट भी लगा लिया था। देखिए, तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। चारों तरफ से हमें इसे पलट पलट कर हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए, अंडों का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसे निकाल लेंगे।
मछली फ्राई हो चुके हैं हमारे। इसी तरह से अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू और इसे छील कर 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें भी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लगभग हाफ टी स्पून हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू भी मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसी ऑयल में आलूओं को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हमें सारे आलूओं को अच्छे तरीके से प्लेस कर देना है, दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आलू को हमने डाल दिया है, देखिए एक तरफ से आलूओं का कलर चेंज हो चुका है। अब हम पलट कर इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे इसी तरह से। देखिए दोनों तरफ से आलूओं का कलर अच्छा सा आ चुका है, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं आलू। आलूओं को भी हम अब निकाल लेंगे एक एक करके। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना आलू जो है हार्ड हो जाएंगे, इसलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए सारे आलूओं को हमने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में हम ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो उसमें मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी। तो हम इसे डाल देंगे और 5 से 6 सेकंड तक इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, इसे डाल देते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का जब कलर आ जाए इसका ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं, बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम मिक्स करके अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक कि इसका सारा कच्चा पन्ना निकल जाए। हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से पक चुका है, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर।
मसालों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अब हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़ा चम्मच दही। इसे भी हम मिक्स करके अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए दही के साथ भी हमने मसालों को भून लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, तो इसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हम टमाटर को भी हल्का सा पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर को पूरा मैश नहीं करना है, बस हमें इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमने चावलों में भी नमक डाला है, इसलिए हमें नमक एहतियात से ही डालना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे भी हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों में बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए बिरयानी का मसाला हमारा रेडी है। तो अब हमने जो अंडे बॉईल करके और फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे हम। अंडों के साथ लगभग 1 मिनट तक हम मसाले को भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें अभी इसमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, तो 7 से 8 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे, तो हमारे चावलों को इसी पानी से दम मिलेगा। इसी पॉइंट पे आप यहाँ नमक भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी के अकॉर्डिंग नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पर ऐड कर दें नमक। मैंने यहाँ पर लगभग नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है ग्रेवी में। देखिए मैंने यहाँ पर अंडों को प्लेस कर दिया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। आलूओं को हमें अच्छे तरीके से प्लेस कर देना है। आलू भी हमने बस फ्राई किए हैं, बाकी की जो कसर है आलू में वो अभी दम में पूरी हो जाएगी। आलू हमने लगा दिए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना। थोड़ा सा हम बचा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च ली है और उसे बीच में से कट लगा लिया है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। सारे चावल को हमें ऊपर से ही डालना है। डालकर हम इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए चावलों को हमने सेट कर दिया है। फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। मैंने यहाँ लिया ऑरेंज कलर का फूड कलर। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी। उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक तरफ डाल देंगे, आधा हम बचा कर रखेंगे और उसी में और 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पतला सा घोल बना लेना है हमें। इसे दूसरे साइड पर डाल देंगे। इससे हमारा 2 कलर बन जाता है और ये देखने में भी अच्छा लगने लगता है। बस अब हमें इसमें ऐड करना है लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल। हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे ढक कर लगभग 40 मिनट तक के लिए दम पर पकने देंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के इसे देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा स्टीम कलेक्ट हो गया है। हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ हरा धनिया और पुदीना। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। इसे ढककर 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। हो चुके हैं, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना शानदार लग रहा है ये। एक बार हम इसे नीचे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने सेपरेट है चावल, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। एक बार हमें बिरयानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए तैयार हो चुकी है झटपट बहुत ही आसानी से और कम टाइम पर एग बिरयानी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये एग बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।